नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर NCERT शार चंद्रा क्लास 6-12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि यह किताब 1-liner है और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए। तो अभी हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत का भूगोल पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, जो कि आपका आज चैप्टर नंबर 4 होगा और पार्ट नंबर 1, जो कि चैप्टर नंबर 4 भूकंप एवं सुनामी से होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व का भूगोल का चैप्टर नंबर 4 भूकंप एवं सुनामी। तो देखिए आपके सामने भूकंप एवं सुनामी, तो अर्थक्वेक एंड सुनामी आ गया। तो यहाँ पर लाइन दिया, भूकंप के प्रमुख कारण तो ज्वालामुखी चक्रिया, वोल्कैनिक एक्टिविटी, भ्रंश एवं स्पिंडन की क्रिया, फॉल्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, समस्थिति की समायोजन या भू संतुलन, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, प्रत्यास्थ पुन संचलन क्रिया, इलास्टिक रिबॉन्ड एक्शन, प्लेट विवर्तनिका क्रिया, तो प्लेट टेक्टोनिक एक्शन। ठीक है, इसको इस फिगर को बाद में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे, प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे कहते हैं, तो पी तरंगों को कहते हैं। इस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती है, तो अनुप्रस्थ एवं गौण तरंगे, तो ट्रांसवर्स और सेकेंडरी वेव्स के नाम से। एल तरंगों, धरातलीय तरंगे, सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स की गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक, जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक तथा तीव्रता सबसे कम होती है। भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की, तो 31 अक्टूबर 2007 को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS कहाँ स्थापित किया गया, तो हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापन के 3 स्केल है, पहला रॉसी फोरेल स्केल, इस पैमाने पर 1 से 11 माप रखे गए। मर्केली स्केल या अनुभव आधारित पैमाना है, इसके 1 से 12 मापक रखे गए। तीसरा रिएक्टर स्केल, रिचर स्केल या लघु गणकीय मापक लोगारिथमिक स्केल है, जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती है, भूकंप केंद्र किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, पार्कविल कैलिफोर्निया को भूकंप के प्रकार प्लेट विवर्तनिका के अनुसार, तो भूकंप के प्रकार और गहराई, तो चिचले केंद्र वाले भूकंप 0 से 35 किलोमीटर, मध्यम केंद्र वाले भूकंप 35 से
75, 35 से 75 या 100 किलोमीटर गहन केंद्र वाले भूकंप 100 से 350 किलोमीटर पातालीय केंद्र वाले भूकंप 350 से 700 किलोमीटर भूकंप अधिकेंद्र एपिसेंटर से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भूकंपीय छाया क्षेत्र सेस्मिक शैडो एरिया कहलाता है। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी सर्कम पैसिफिक बेल्ट है। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को। प्लेट विवर्तनिका प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील अर्थक्वेक रिसेप्टिव है? तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश। पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल माध्यम से भी चल सकती है, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम इनकी गति मंद हो जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों का संचरण। तो ये आपका ठोस आंतरिक कोर है, ठीक है, और ये आपका द्रव जो है, ये आपका द्रव बाहरी कोर है, और यहाँ पर पी तरंगे कोर धीमी गति से गुजरती है और ये आपका इधर पी एवं एस तरंगे, ठीक है, और इधर आपका पी और एस तरंगे, ठीक है। ये यहाँ पर पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के 1.8 मिनट बाद पहुंचती है और यहां पर आपका जो है इस तरंगे कोर में प्रवेश नहीं करती है, ठीक है। पी तरंगे कोर धीमी गति से गुजरती है, ठीक है, और ये जो आपका है प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव होता है, और ये आपका मेंटल है, ठीक है, और ये प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव यहाँ पर होता है, और यहाँ पर आपका 103 डिग्री, और ये आपका यहाँ पर क्रस्ट है। क्रोट से होकर पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के अनुभव होने के 21 मिनट बाद पहुँचती है आपके क्रस्ट के पास, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया में, और ये आपका भूकंप अधिकृत, और ये आपका धरातलीय एल तरंग, तो ये आपका एल तरंग है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव होता है, ठीक है, इधर भी, इधर आपका पी तरंग और ये आपका इस तरंगे का साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर पी तरंग छाया क्षेत्र है और बाहर आपका पी तरंगों का अभाव है, ठीक है, और यहां पर पी तरंगे 11.8 मिनट बाद पहुंचती है, और यह तरह आपका
क्रोध से होकर पीतरंगे भूकंप के प्रघात के अनुभव होने के 21 मिनट बाद पहुंचती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर एक और भूकंप पीतरंग, तो तीन प्रकार के, एक पीतरंग, एक आपका एस तरंग और एक आपका एल तरंग। ठीक है, तो आज के लिए कर सकते हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा। ठीक है।